ई स्पोर्ट्स के बारे में सिर्फ आप और मैं ही नहीं बल्कि हमारे देश के लोकसभा में भी बातें चल रही है। थैंकफुली किसी ने इस बात पे चप्पल नहीं फेंका। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स के बारे में क्या कह रही है, और इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और वाइल्ड रिफ्ट में ढेर सारे गेम के अपडेट्स, और इस हफ्ते वैलोरेंट में एक और चीटर पकड़ा गया। बट ये सारे इन्फो के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना एपिसोड देखा तो पाप लगेगा, तो प्लीज कर देना। मैं हूं राहुल हिंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। कल के सुपर बोल में काफी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली जिसमें मेरी नजर अटकी। नेट शॉट जो कि एक ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन 100 थीव्स का सीईओ है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक प्रो प्लेयर भी रह चुका है, एक एनर्जी ड्रिंक के एड में फीचर हुआ था। किसने सोचा था कि फुटबॉल के सबसे ऐतिहासिक इवेंट पे अब ऐसे ईस्पोर्ट्स एथलीट्स के एड्स प्ले होंगे। अब आप ही सोचिए किसी दिन इंडिया का कोई ईस्पोर्ट्स एथलीट या कंटेंट क्रिएटर भी कभी लाखों लोगों के सामने इस तरह पेश आएगा। वायरल से याद आया, काफी चर्चा हो रही थी हाल ही में सीओडी के नए सीजन 1 न्यू ऑर्डर के बारे में। नए सीजन का कंटेंट फाइनली रिलीज होना चालू हो चुका है जिसमें एक नया बैटल पास, सीजनल चेंजेस और ऑपरेटर्स आए हैं। उसके साथ एक फाइट फॉर ह्यूमैनिटी इवेंट भी है जिससे प्लेयर्स को अब काफी सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद का जो लाइनअप है उसमें भी काफी सारे नए इवेंट्स आने वाले हैं सीओडीएम में, जिसमें से बीआर ब्लिट्स, स्नाइपर ओनली, वॉरफेयर जैसे इवेंट्स होंगे। कैच सिर्फ ये है कि ये इवेंट्स लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाले हैं, तो मौके का फायदा उठाने का टाइम है क्योंकि जैसे सब कहते हैं मौका बार बार नहीं आता। तो रेडी हो जाइए, ये इवेंट पूरा महीना चलने वाला है और अब होगा दंगल। फरवरी का महीना और भी चीजों के लिए काफी मशहूर है। हम सबको पता ही है 14th of February को कौन सा दिन मनाया जाता है। हर साल तो इस दिन पर मैं घर बैठे बैठे वीडियो गेम्स ही खेलता हूँ, पर इस बार मुझ जैसों के लिए भी उम्मीद है। वाइल्ड रिफ्ट ने एक नया इवेंट पेश किया है जिसका नाम है लूना लवर्स, जिसका सेकेंड फेज शुरू हो चुका है February 12th को। ये इवेंट में प्लेयर्स को मिशन करने पड़ेंगे जिससे उन्हें लूना टोकन्स मिलेंगे। इन टोकन्स को प्लेयर्स इवेंट्स शॉप में यूज कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जाया और राकिन भी रिलीज होने वाले हैं। ये दो चैंपियंस ऐड हो चुके हैं इस फेज में। लूना शॉप में अब ये दोनों चैंपियंस अवेलेबल हैं। ढेर सारे स्किन्स, ढेर सारे पोजेस भी हैं इनके साथ, सो गो चेक इट आउट। मुझे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट स्किन और आपका फेवरेट पोज कौन सा है। इन सब अच्छी बातों के बीच में एक थोड़ी गंभीर खबर भी सुनने में आई है। CSGO में एक पॉपुलर नेम, नॉर्थ ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो काफी पुरानी डेनिश ऑर्ग है, ने अनाउंस किया कि वो अपने ईस्पोर्ट्स ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं। अब इनके जितने भी CSGO प्लेयर्स हैं उनका नॉर्थ के साथ एसोसिएशन एंड हो चुका है और वो अब फ्री एजेंट्स बन चुके हैं। ग्लोबल सिचुएशन को देख के ये एक और कंपनी है जिन्हें इस तरह का डिसीजन लेना पड़ रहा है, पर फिर भी नॉर्थ का प्रेजेंस फीफा में बना रहेगा और वो कंपीट करते रहेंगे। अब नॉर्थ के CSGO टीम को डिसबैंड होते हुए देख के ढेर सारे ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनालिटीज ने इन्हें ट्विटर पे अपना रेस्पेक्ट जताया, और हम भी इन्हें यही कहना चाहेंगे कि वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ईस्पोर्ट्स टीम चलाना और उसे प्रॉफिटेबल बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो यू हैव आवर रेस्पेक्ट क्योंकि आपने 2017 के शुरुआत से ग्राइंड शुरू किया है और बहुत फैंस को इम्प्रेस भी किया है अपनी अमेजिंग CSGO परफॉर्मेंसेस के साथ। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। अब पिछले महीने के ड्रामा के बाद फिर से वैलोरेंट में एक और चीटर पकड़ा गया है। नीसे नाम का एक टर्किश प्रोफेशनल प्लेयर वैलोरेंट से बैन हो चुका है 12 महीने के लिए। अब ये बंदा कोई रेगुलर प्लेयर नहीं था, वो यूरोप का नंबर 1 रैंक प्लेयर रह चुका है, और इस इंसिडेंट के बाद उसे अपनी टीम बेसिक्टस ईस्पोर्ट्स के रोस्टर से हटा भी दिया गया है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि नीसे को सिर्फ 12 महीने का बैन मिला, बट पिछले हफ्ते हमने राइट गेम्स का रिस्पॉन्स ऑफिशियली देखा जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सहेड का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंडेड रहेगा। इस पर और क्लैरिटी नहीं दिया है राइट गेम्स ने, बट होपफुली इस बैन वेव से एथलीट्स गेम के इंटेग्रिटी को फाइनली सीरियसली लेना शुरू करेंगे, क्योंकि वैलोरेंट में टूर्नामेंट्स की कोई कमी नहीं है बॉस। हर हफ्ते कुछ ना कुछ अनाउंस हो ही रहा है, और अभी राइट गेम्स का खुद का फ्लैगशिप इवेंट भी चल रहा है, वैलोरेंट चैंपियनशिप टूर, और इसका नॉर्थ अमेरिका चैलेंजर्स 1 अभी खत्म हुआ है।
इसके विनर्स थे टीम सेंटिनल्स, जिन्होंने ग्रैंड फाइनल्स में इमॉर्टल्स को हराया। इमॉर्टल्स अपर ब्रैकेट्स के फाइनलिस्ट थे इस टूर्नामेंट में और उन्हें एक पॉइंट का लीड भी था, बट इसके बावजूद टीम सेंटिनल्स लोअर ब्रैकेट से लड़के काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाए। 3-1 के फाइनल स्कोर के साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट से 14 लाख रुपए कमाए। बिग कंग्रेचुलेशंस टू टीम सेंटिनल्स। इस टूर्नामेंट में बहुत सारे ऑसम प्लेयर्स थे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो डू गो चेक इट आउट। फरवरी 4th को लोकसभा के क्वेश्चन सेशन में इंडिया के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बहुत सारे ई स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। जगदम्बिका पाल जो कि एक लोकसभा मेंबर हैं, उन्होंने 5 बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे। पहला, क्या गवर्नमेंट के पास गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का कोई प्लान है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और गेमिंग को कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में डालेगा? अभी जिन लोगों को नहीं पता, कंकरेंट लिस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन डॉक्यूमेंट है। तीसरा, क्या गवर्नमेंट को गेमिंग इंडस्ट्री के साइज या वैल्यू को लेके कोई भी आइडिया है? चौथा, क्या गवर्नमेंट इलीगल गेम्स, बेटिंग या गैम्बलिंग के खिलाफ कोई भी रेगुलेशन या स्टेप्स लेने वाला है? और पांचवा, क्या हमारी गवर्नमेंट के पास एजुकेशनल गेमिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्लान है? अब इन सारे सवालों को लेकर हमारी यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने काफी इनडेप्थ जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के यूथ के लिए ई स्पोर्ट्स एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें ढेर सारे एंथुजियास्ट हैं। उन्होंने ये भी अक्नॉलेज किया कि इंडियन गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को गेमिंग और गैम्बलिंग से अलग रेकग्नाइज करता है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एक स्किल बेस्ड गेम है और दूसरे केसेस में चांस बेस्ड गेम्स खेला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए स्टेट का सब्जेक्ट है और इसकी वजह से ई स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में है। अभी तक तो ई स्पोर्ट्स के बारे में ऑफिशियली कोई मार्केट स्टडी नहीं हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि ESFI, EDAI और EI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट जरूर करती है, बट ये सब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुई है गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा कि राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स कोई भी फेडरेशन या एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखा जाए। अब ये सब को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज 2016 में गवर्नमेंट ईस्पोर्ट्स के बारे में जानता जरूर था लेकिन ठीक से इसे रेकग्नाइज नहीं करता था। इसके बारे में लोकसभा में कॉन्वर्सेशंस नहीं होते थे। अब तो फाइनली टाइम बदल रहा है। एशियन गेम्स ने 2022 में ईस्पोर्ट्स को एक मेडल इवेंट का दर्जा दिया है और हमारी देश की गवर्नमेंट भी फाइनली इसे ध्यान दे रही है। अब आप ही सोचिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो हमारी इंडस्ट्री कितनी जल्दी आगे बढ़ सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब एक ईस्पोर्ट्स एथलीट को हमारे देश के प्रेसिडेंट से पद्म भूषण का अवार्ड मिलेगा। एनीवे, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और घंटी भी बजा देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।